फ्रेंड्स, आई एम नित्या शर्मा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल नित्यानंदिनी। सो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है वो होने जा रहा है क्लॉथिंग हॉल पर। सो इस वीडियो के लिए मैंने दो कुर्ता प्लाजो सेट मंगाए हैं जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाए हैं। इसके अलावा मैंने एक प्लाजो, दो चुन्नी और एक पैंट भी मंगाया है। तो इन्हीं सभी का रिव्यू मैं आज आपके सामने शेयर करने वाली हूँ। सो गाइज़, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम, मौज MS टकाटक, फेसबुक, वहाँ पर भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, अपना सपोर्ट दे सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि मैं लिपस्टिक मैंने लगाई है तो इसका शेड कैसा लग रहा है, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ये शेड ट्राई किया। एक्चुअली मैं पिंक लिपस्टिक लगाती हूँ पर थोड़े अलग कलर के मैंने यूज़ किया। ये पिंक में बहुत लाइट वाला शेड हो सकता है, शायद कैमरे पर थोड़ा सा डार्क दिख रहा हो पर बहुत लाइट शेड है। तो मैं आप चाहती हूँ कि आप मुझे बताएँ कि मुझ पर ये शेड कैसा लग रहा है, प्लीज़ कॉमेंट करके मुझे बताएँ। सो गाइज, अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ क्योंकि आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। सो लेट्स गो। सो यहाँ जो मैं फर्स्ट प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ वो है मैजेंटा कलर का बांधनी दुपट्टा। आई एम श्योर आपको ये दुपट्टा बहुत पसंद आएगा। तो ये है मेरा फर्स्ट दुपट्टा, ये तो हमारी वार्डरोब में होना ही चाहिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं मिक्स एंड मैच हो ही जाता है, लहंगों पर चला जाता है और सूट पे चला जाता है, साड़ियों पे पूजा के टाइम पे इसे कैरी कर सकते हैं, तो इस टाइप का दुपट्टा तो होना चाहिए। तो ये फर्स्ट मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट लिया है, ये दुपट्टा लिया है, ये बांधनी प्रिंट का दुपट्टा है और क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी आई है। फैब्रिक इसका बहुत अच्छा है, शाइनिंग वाला मटेरियल है पर है ये शिफॉन पर शाइनिंग वाला है, तो बहुत प्यारा इसका मटेरियल है। पूरी आप दुपट्टे में देखेंगे कि चारों तरफ से आपको इस तरीके से लेस दी रहेगी। ये लेस की डिटेलिंग आप देख सकते हैं चारों तरफ रहेगी ये, और लेस भी बहुत खूबसूरत है। देखिए इस टाइप की यहाँ पर मोती वाला भी डिज़ाइन दिया हुआ है और नीचे गोटा पट्टी की लेस लगी हुई है, दो लेस करके लगाई हुई है। और अब मैं बात करूँ इसके कॉर्नर्स की, तो इसके एजेस पे इस टाइप के ये टैसल्स दिए गए हुए हैं। ये देखिए ये टैसल्स दिए गए तो ये इसके लुक को और इन्हेंस कर देते हैं और ये पहनने पर बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा लगता है। मुझे तो ये दुपट्टा बहुत पसंद है, मैं इसे बहुत यूज़ कर चुकी हूँ, रेस में यूज़ किया है मैंने इसको, बहुत सारे फंक्शन में मैंने इसको पहना है। देखिए पहनने पे कितना प्यारा लुक देता है, बहुत खूबसूरत दुपट्टा है और कॉस्ट प्राइस बहुत अच्छा है। अंडर मुझे 250 मिल गया था, तो जो भी पर एक बात आपसे और शेयर करूँ कि प्राइजेज ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो मे बी आपको कम में मिल जाए, मे बी ज़्यादा में मिल जाए, तो प्राइस के लिए प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। बाकी दुपट्टा बहुत अच्छा है, मुझे 100-250 मिल गया था। ये मैंने मीशो से लिया है, इसका कोड मैं आपको स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। अब गाइस बढ़ते हैं सेकंड प्रोडक्ट पे, जो कि मैंने इसी दुपट्टे से मैच करने के लिए एक पैंट ली है। इससे पहले भी मैं पैंट दिखा चुकी हूँ लास्ट मेरे वीडियो में, तो उसमें मैंने मैजेंटा कलर की पैंट ली थी पर वो कॉटन की पैंट थी और मुझे चाहिए थी एक शाइनिंग वाली पैंट, क्योंकि जो मेरा मैच करना है जिस ड्रेस से, मुझे उस पर शाइनिंग वाला चाहिए था। तो मैंने इस तरीके से ये पैंट मंगाई जिसका सिल्क का फैब्रिक है, इसको मैंने पहन लिया तो इसलिए थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि इस टाइप से प्रेस नहीं दिख रही होगी, मैं इसको पहन चुकी हूँ। तो बहुत ही अच्छा फैब्रिक है, सिल्क का पैंट है और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर इस टाइप के कट दिया हुआ है एंड में, और ये इसकी विथ है, लेंथ में ये एंकल लेंथ में आता है और इसमें आप देखेंगे इलास्टिक लगी रहेगी, तो पूरे में इलास्टिक दी हुई है। सो फैब्रिक बहुत अच्छा है पैंट का, देखने में बहुत खूबसूरत है और रीज़नेबल भी है। ये मुझे अंडर 200 मिल गई, ये भी मैंने मीशो से ही परचेज़ किया है, तो इसे कोड भी मैं आपको दे दूँगी। तो पैंट बहुत अच्छी है और इसके साथ बहुत अच्छा मैच कर रही है, तो मेरा एक पूरा ड्रेस क्रिएट कर देगी। इसको मैं वाइट कलर के सूट के साथ, ब्लैक कलर के सूट के साथ कैरी करूँगी तो बहुत खूबसूरत लुक आएगा। तो इसको पहन के भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी और इसके जो भी मेरे पास पिक्स हैं ऑलरेडी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब मैं बढ़ती हूँ अपने यहाँ पर थर्ड प्रोडक्ट पे। थर्ड प्रोडक्ट है वो है प्लाजो। यहाँ पर मैंने वाइट कलर का प्लाजो मंगाया है जो कि चिकन कारी जो वर्क होता है उसका प्लाजो है। आप देख सकते हैं कॉटन का फैब्रिक है जिसपे चिकन कारी वर्क है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको पूरे में इलास्टिक मिलेगी। और ये रहा प्लाजो, इसकी आप विथ देखेंगे तो प्लाजो की विथ
एवरेज विथ है, मतलब अच्छी है, बुरी विथ नहीं कि बहुत कम दिया है, इसकी अच्छी चौड़ाई दी हुई है। लेंथ वाइज ये लंबा था तो मैंने इसमें एक कलाकारी कर ली है ऑलरेडी। मैंने इसको यहाँ पर देखिए, ये इस टाइप से पैटर्न था तो मैंने इसको इतना फोल्ड कर लिया क्योंकि मुझे बहुत लंबा आ रहा था, पैरों में आ रहा था, और वैसे भी एंकल लेंथ के चल रहे हैं तो मुझे कंफर्टेबल नहीं थी, इसलिए मैंने इसको फोल्ड कर दी। बाकी इसकी लेंथ अच्छी आएगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर फोल्ड किया आपको दिखाया, इसको ओपन करेंगे तो इसकी लेंथ थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। फैब्रिक बहुत अच्छा है, ट्रांसपेरेंट नहीं है क्योंकि इस पे ये जो वर्क है इसके कारण ये ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं रहता है, पहनने में बहुत कंफर्टेबल है और बहुत प्यारा है। ये भी मुझे कुछ 200 के आसपास ही मिला है तो बहुत अच्छा मुझे लगा ये प्लाज़ो। इसमें और भी कलर हैं, और भी शेड हैं, अगर आपको किसी और कलर में चाहिए तो आप परचेज़ कर सकते हैं, तो ये भी मुझे बहुत पसंद आया। सो गाइज, अब मैं चलती हूँ अपने फोर्थ प्रोडक्ट पे जो कि है अगेन दुपट्टा, और इसी प्लाज़ो के मैचिंग के लिए मैंने एक और दुपट्टा परचेज़ किया है जो कि है ये वाइट कलर में, तो इस तरीके से ये आपको दिखेगा। ये देखिए, ये है पूरे पे, इस पे भी आपको चिकनकारी टाइप का वर्क दिखेगा पूरे दुपट्टे पे, ये देखिए। और इसकी लेंथ भी अच्छी है, 2.5 मीटर का तो होगा ही ये आराम से, और साइड में यहाँ पर ऐसे लेस की डिटेलिंग दी गई है जिससे इसका लुक और भी प्यारा हो जाता है। तो इस टाइप की साइड में डिटेलिंग दी गई है। इसका फैब्रिक बहुत प्यारा है, शिफॉन टाइप का फैब्रिक है, आई थिंक शिफॉन ही है। बहुत अच्छा, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है, पहनने में तो इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि पहन के मज़ा ही आ जाए। बहुत प्यारा दुपट्टा है और इसके साथ मेरा बहुत अच्छा मैच कर रहा है। सो गाइस, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, जो कि मैंने एक कुर्ता मंगाया है। ये भी मैंने मीशो से ही मंगाया है कुर्ता, और अब आप देखेंगे इस तरीके से ये कुर्ता है, चिकनकारी कुर्ता है, ये वाइट कलर में मंगाया है मैंने, और बहुत खूबसूरत कुर्ता है। आप इस तरीके से इसकी स्लीव्स मिलेंगी, फुल स्लीव्स हैं जिसमें पूरे में आपको चिकनकारी वर्क मिलेगा, फ्रंट में आपको इस तरीके से नेक मिलेगी, और पूरे ही कुर्ते में आपको चिकनकारी वर्क मिलेगा। लेंथ में ये नी से नीचे वाली लेंथ का है, मतलब अच्छी खूब लंबी लेंथ तो नहीं है पर नी से थोड़ी सी नीचे आती है। आपको बाकी फ्रंट में दिख ही जाएगा कि इसकी लेंथ कितनी है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इसका जॉर्जेट का फैब्रिक है, फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, और वो पहनने पे बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसे आप चाहें तो जीन्स पे भी पहन सकते हैं। बाकी जो मैंने प्लाजो और चुन्नी मंगाई है उसके साथ मैं इसे पेयर करके पहनूंगी, आपको ट्रायल में दिखेगा। आप इसे आप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में भी कैरी कर सकते हैं। इसको मैंने एक वीडियो में भी बताया है, इस चिकनकारी कुर्ती को, जिसे मैंने 12 तरीके से इसको पहना है। आप चाहें तो वहाँ जाके भी देख सकते हो आप किस तरीके से इसको स्टाइल कर सकते हैं। मैंने 12 डिफरेंट स्टाइल में से बताया, तो सोचिए कि आप इसे कितने तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। तो उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि इसे किस तरीके से स्टाइल और कितने तरीके से स्टाइल किया जा सकता है। तो मेरी तरफ से ये कुर्ता हाईली रिकमेंडेड है, इसका प्राइस जो भी होगा मैंशन कर दूंगी, क्योंकि बहुत अच्छा कुर्ता है और वाइट कलर तो वैसे ही बहुत खूबसूरत लगता है। इसके अंदर आपको कैमिसोल या जो भी आप स्पैगेटी जो भी ले रहे हैं वो आपको लेनी पड़ेगी। आप चाहें तो ऑनलाइन देख सकते हैं, अमेजोन पे भी मिल जाएगी, मीशो भी मिल जाएगी, जहाँ से भी आप परचेस करना चाहें वहाँ से परचेस कर सकते हैं। मेरे कुर्ता बहुत खूबसूरत है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, पहनने पर बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरी तरफ से तो थम्स अप है इसके लिए, आपको ये कुर्ता एक बार जरूर देखना चाहिए। प्लाजो की तरफ, और उससे पहले बता दूं कि आप देख रहे होंगे कि मेरा बैकग्राउंड चेंज लग रहा होगा, तो मेरे पास जो दो ड्रेस मैंने ऑर्डर की थी वो थोड़ा लेट आई है, इसलिए मैंने उनको इस हॉल में लेट इंक्लूड किया। इस कारण थोड़ा सा चेंजेस आ गए हैं बैकग्राउंड में मेरी ड्रेसेस में, मेरी खुद की ड्रेस में। सो अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ ड्रेस की तरफ, जो कि कुर्ता प्लाजो दुपट्टे का सेट। ये पूरा सेट मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया। सबसे पहले मैं बढ़ती हूँ कुर्ते की तरफ, तो देखिए इस तरीके से पिंक कलर में कुर्ता मिलेगा, फुल लेंथ का कुर्ता है, स्ट्रेट का कुर्ता है। हम आते हैं इसकी नेक पर, तो नेक जो है इसकी बॉट नेक है, स्लीव्स हैं इसकी 3/4 जिसमें कि इस टाइप की डिजाइन मीन्स कोल्ड शोल्डर दी गई हैं, और साइड में आप देखें यहाँ पर जो स्लीव्स होती हैं उनमें इस टाइप से डिजाइन दी गई है, बॉर्डर लगी हुई है, और पूरा प्रिंटेड कुर्ता है। फ्रंट बैक दोनों तरफ से सेम प्रिंटेड कुर्ता है, कॉटन का इसका फैब्रिक है, फैब्रिक बहुत अच्छा, बहुत सॉफ्ट है, पहनने में बहुत कम्फर्टेबल है। इसका जो ब्रांड है वो है लिबास। अब मैं आती हूँ इसके प्लाजो पर। जो प्लाजो है
प्लाजो दुपट्टा सेम प्रिंट का है, बस इसका व्हाइट है, ऊपर पिंक कलर की डिजाइन बनी हुई। इस तरीके से इसका प्लाजो, इसका फ्लेयर अच्छा खासा दिया गया है और फ्रंट से ये इस टाइप से है और पीछे इसमें पूरे में इलास्टिक लगी हुई है। आराम से ये 38 वेस्ट तक आ जाएगा। इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, ट्रांसपेरेंट नहीं है और पहनने पे बहुत कंफर्टेबल है। अब मैं आती हूँ इसके दुपट्टे पे। दुपट्टा जैसा फुल लेंथ का दुपट्टा होता है उस टाइप से फुल लेंथ का ही इसमें दुपट्टा दिए गए। इस टाइप से ओवरऑल दुपट्टे में प्रिंट बना हुआ है, 2.5 मीटर का दुपट्टा है और बहुत अच्छा दुपट्टा है। ये देखिए कॉटन का, प्योर कॉटन का ही दुपट्टा दिया गया है, इस टाइप से दुपट्टा है। तो ओवरऑल कुर्ता बहुत अच्छा लगा मुझे, 900 के राउंड पड़ा था। तो इस प्राइस में पूरा कॉटन का सूट बहुत खूबसूरत है, वो भी लिवास ब्रांड में, तो बहुत अच्छा लगा। ये इजिली आप समर में पहन सकते हो, किसी भी सीजन में पहन सकते हो, ऑफिस के लिए, कॉलेज के लिए इजिली हम इसको वेयर कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, अगर आपको पसंद आए तो आप डेफिनेटली इसे बाय कर सकते हैं। अब मैं चलती हूँ अपने आज के वीडियो के लास्ट कुर्ते पे। ये भी कुर्ता ब्लाउज सेट है, दुपट्टा नहीं, इसमें कुर्ता और प्लाजो दिया गया है। सबसे पहले मैं आती हूँ कुर्ते पर। तो ये अगेन लिवास का ही कुर्ता है, लिवास ब्रांड का। तो इस टाइप से आप देखेंगे ये कुर्ता स्ट्रेट कट कुर्ता है, इसमें इस टाइप का प्रिंट दिया गया हुआ है। प्रिंट बहुत खूबसूरत है, इसका बेस जो है ब्राउन कलर का है, क्रीमिश ब्राउन है। स्लीव्स जो दी गई है इसमें 3-4 स्लीव्स है। नेक इस टाइप की दी गई है, नेक छोटी सी है, उसमें इस टाइप का लीफ पैटर्न बना हुआ है जिसमें की इस तरह डोरी लगी है, उसमें टेसल्स लगे हुए हैं। बैक पूरा बंद गला है और बैक और फ्रंट सेम है, तो बहुत प्यारा है। ये भी कॉटन कुर्ता जो कि समर के लिए और हर सीजन के लिए बहुत अच्छा है। अब मैं आती हूँ इसके प्लाजो में। तो प्लाजो इसका बहुत खूबसूरत है, आप इसको इस कुर्ते के अलावा भी और भी ड्रेसेस पे पेयर कर सकते हैं। तो देखिए इस टाइप से इसका फ्लेयर है, फ्लेयर बहुत अच्छा दिया गया है। फैब्रिक इसका बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है और प्लाजो में पॉकेट्स दी गई हैं। ये देखिए दोनों तरफ से पॉकेट है। और इसका हम फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में इस टाइप की डिटेलिंग दी गई है और बैक में पूरे में यहाँ पर इलास्टिक दी गई है। तो ये भी 34-36 वेस्ट तक आ जाएगा। और आप इसके जो प्लाजो का प्रिंट देख रहे हैं वो इसके कुर्ते के प्रिंट से थोड़ा सा अलग प्रिंट दिया हुआ है। इसमें गोल्डन कलर का भी जो फाइल प्रिंट होता है वो प्रिंट भी दिया गया है। तो प्लाजो बहुत खूबसूरत है, आप इसको इजीली टॉप के साथ भी कैरी कर सकते हैं, इसको वेस्टर्न ड्रेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल कुर्ता बहुत प्यारा, ये भी होगा इसका प्राइस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख लूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। मतलब से हाईली रिकमेंडेड है, अगर आपको पसंद आया तो आप इसे बाय कर सकते हैं। सो गाइज ये रहा आज का मेरा हॉल, जिसमें मैंने आपको कुछ मीशो से थी और कुछ फ्लिपकार्ट से थी। 5 के 5 ड्रेस अपनी जगह पे बहुत खूबसूरत थी, प्राइस वाइज भी अच्छी थी और इनका जो जेन्युइन रिव्यू था वो मैंने आपको दिया। अगर आप पसंद आए आपको इनमें से कुछ भी तो आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। और सो गाइस आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलूंगी मैं कुछ नया और कुछ नए वीडियो कुछ नए आइडियाज के। सब तक के अपना बहुत सारा ध्यान रखें, घर पे रहें, सेफ रहें। बाय बाय।